गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इस वीडियो में हम 16 और 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के लिए किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है मिस्टर अमिताभ घोष। मिस्टर घोष हैं, उनको 2018 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो एक फेमस अंग्रेजी लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी और ये 23 भाषाओं में काम के लिए दिया जाता है। ये 23 भाषाएं हैं इंग्लिश प्लस 22 भाषाएं जो कि संविधान के 8वें शेड्यूल में हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं में काम के लिए दिया जाता है। ये 24 भाषाएं हैं इंग्लिश, राजस्थानी और 22 भाषाएँ वो हैं जो संविधान के 8वें शेड्यूल में मेंशनड हैं। संविधान के 8वें शेड्यूल की बात करें तो ओरिजिनली कुल 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वें संशोधन के तहत सिंधी को इसमें ऐड किया गया। 71वें संशोधन के तहत इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया और 92वें संशोधन के तहत इसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेस्ड पावर एसेट्स हैं उनके ऊपर जो नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है उसके हेड कौन होंगे? राइट आंसर है मिस्टर अरुण जेटली। हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है। ये ग्रुप पहले बनाए गए एक हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी की रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करेगा। जो पहले एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई थी उसके हेड थे कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर पीके सिन्हा और अब ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है इसके हेड हैं मिस्टर अरुण जेटली। तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करेगा। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो स्ट्रेस्ड पावर एसेट्स से संबंधित हैं। इसके अलावा पावर सेक्टर की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो नोडल मिनिस्ट्री हैं और मिस्टर आर के सिंह हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। इसके अलावा हाल ही में कुछ और कमेटीज और कमीशन न्यूज़ में थे। हाल ही में एक टास्क फोर्स बनाई गई है नया डायरेक्ट टैक्स लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करने के लिए। इस टास्क फोर्स के कन्वेनर हैं मिस्टर अखिलेश रंजन। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप भी बनाया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को असिस्ट करने के लिए। इस स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप के जो हेड हैं वो हमारे प्रेजेंट NSA हैं यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो है मिस्टर अजीत डोभाल। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बनाई है गुरु नानक जी के 550वें बर्थ एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए। इस कमेटी के हेड हैं वो हैं होम मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह। इसके अलावा जो कंपटीशन लॉ है उसको रिव्यू करने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी के हेड होंगे मिस्टर इंजेती श्रीनिवास। कमेंट बॉक्स में बताइए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस देश में शुरू हुआ है? राइट आंसर है रशिया। ये विश्व का सबसे पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग हाल ही में एक और इवेंट के लिए न्यूज़ में था। हाल ही में भारत और रशिया के बीच पहला स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक डायलॉग हुआ था, वो भी सेंट पीटर्सबर्ग में ही हुआ था। भारत की तरफ से नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन मिस्टर राजीव कुमार ने इंडियन डेलीगेशन को रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा रशिया की बात करें तो रशिया क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है। रशिया पहले नंबर पर है, कनाडा दूसरे पर, USA तीसरे पर, चाइना चौथे पर और ब्राज़ील क्षेत्रफल के मामले में 5वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 6ठे स्थान पर और भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर है। इसके अलावा रशिया है वो P5 मेंबर भी है यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया की एक परमानेंट सीट है। कुल 5 देश हैं जिनकी सीट परमानेंट है। ये 5 देश हैं रशिया, अमेरिका, फ्रांस, UK और चाइना। इसके अलावा रशिया है वो SCO का मेंबर भी है। SCO का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की आखिरी समिट चाइना के किंगदाओ में हुई थी। इसके अलावा रशिया ब्रिक्स का मेंबर भी है। ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रशिया,
इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो 2019 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे। उनका नाम है मिस्टर सिरिल रामाफोसा। इसके अलावा भारत और रशिया के बीच में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हाल ही में एक समझौता हुआ है। इसके साथ साथ जो ब्रह्मोस हैं वो भारत और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस है वो ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा को मिलाकर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र भारत की नदी है जबकि मोस्कोवा रशिया की एक नदी है। इसके अलावा इंदिरा है वो भारत और रशिया के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इसके साथ साथ सेकेंड RIC ट्राइलेटरल समिट है, वो भी हाल ही में G20 समिट के साइडलाइंस के दौरान अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुई। RIC का मतलब है रशिया इंडिया चाइना। ये सेकेंड ट्राइलेटरल समिट थी और ये 12 साल के बाद हुई थी। G20 समिट की बात करें तो ये अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुई थी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं मिस्टर मोरासियो माक्री। कमेंट बॉक्स में बताइए हाल ही में कौन सा देश FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका मेंबर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जो सम्मेलन हुआ था वो किस शहर में हुआ था। राइट आंसर है रियाद। रियाद जो कि सऊदी अरेबिया की राजधानी है, वहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का 39वां समिट हुआ था। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 1981 में अबू धाबी में हुई थी। इसके कुल मेंबर्स हैं वो हैं कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान और सऊदी अरेबिया। कतर हाल ही में एक और इवेंट के लिए न्यूज़ में था। हाल ही में कतर ने अनाउंस किया है कि वो 2019 में ओपेक की अपनी सदस्यता वापस ले लेंगे। ओपेक की बात करें तो ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है और इसकी स्थापना इराक के बगदाद में हुई थी। इसके अलावा वियना में ही IAEA का मुख्यालय भी है। IAEA है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया में है और मिस्टर यूकिया अमानो हैं वो IAEA के चीफ हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरपर्सन कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तारीख को 2018 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया था। राइट आंसर है 14 दिसंबर। हाल ही में 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया था। ये इवेंट ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का मेन इवेंट है। इसका उद्देश्य है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में लोगों को जागरूक करना। BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी का मतलब है ये किसी कानून के तहत बनाई गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा दिसंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 8 दिसंबर को इंडियन नेवी सबमरीन डे मनाया जाता है। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे और 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस यूनियन मिनिस्ट्री ने इको निवास 2018 को लॉन्च किया है। राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक पहल है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन होम कंस्ट्रक्शन। ये एक एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ली है। राइट आंसर है मिस्टर पू जोरमथांगा। हाल ही में 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन हुए थे। ये 5 राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं मिस्टर पू जोरमथांगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं मिस्टर भूपेश बघेल।
तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं मिस्टर के चंद्रशेखर राव और मिस्टर कमलनाथ नए मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं मिस्टर अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइजीरियन आर्मी ने किस यूएन एजेंसी के ऑपरेशंस पर जो बैन लगा था उसको हटा दिया है? राइट आंसर है यूनिसेफ। नाइजीरियन आर्मी ने नॉर्थ ईस्ट में यानी नाइजीरिया के नॉर्थ ईस्ट में यूनिसेफ के ऑपरेशंस पर बैन लगा दिया था। नाइजीरियन आर्मी का कहना था कि यूनिसेफ वहां पर जासूसों को ट्रेन करती है और ये जासूस बोको हराम की मदद करते हैं। अब नाइजीरियन सेना ने यूनिसेफ पर प्रतिबंध हटा दिया है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। हाल ही में यूनिसेफ ने मिस हिमा दास हैं उनको यूनिसेफ इंडिया का पहला यूथ अम्बेसडर भी बनाया था। कमेंट बॉक्स में बताइए हाल ही में किन्हें यूनिसेफ का यंगेस्ट गुडविल अम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है और नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। बोको हराम की बात करें तो बोको हराम एक मिलिटेंट ग्रुप है और इसके लीडर हैं अबू बकर शेखाऊ। इसका मुख्यालय नाइजीरिया के साम्बिसा फॉरेस्ट में है और ये नॉर्थ नाइजीरिया, नॉर्दर्न कैमरून, नाइजर और चड में ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के टर्टल्स यानी कछुए की रक्षा के लिए हाल ही में ऑपरेशन ओलिवा शुरू किया गया है, ये किस आर्म्ड फोर्स ने शुरू किया है? राइट आंसर है इंडियन कोस्ट गार्ड। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने ओडिशा के टर्टल्स को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिवा शुरू किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर हैं वो हैं मिस्टर राजेंद्र सिंह। इसके अलावा ओलिव रिडले टर्टल्स की बात करें तो ये मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। IUCN के हिसाब से इनका स्टेटस वल्नरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है? राइट आंसर है पंजाब। हाल ही में पंजाब ने संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मांगने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसके अलावा हाल ही में सरकार ने शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। ये पंजाब में रावी नदी पर स्थित होगा। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में करतारपुर साहिब कॉरिडोर की नींव रखी है। इसके साथ साथ पंजाब भारत का तीसरा स्टेट बन गया है जिन्होंने हुक्का बहस को बैन कर दिया है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।